सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सब लोग विलेज को गार्ड कर रहे होते हैं और फुनामोशी की पूरी स्क्वाड के विलेज पर अटैक करने का वेट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो मेटली के पास आता है और उसको बोलते हैं डेंकी और रिवाबे अभी तक वापस नहीं है, पता भी नहीं कि फुनामोशी की स्क्वाड कब हम पे अटैक कर दे, वो लोग हमारी मदद करने के लिए आ भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी हम लोग देखते हैं वो बच्चे वापस आते हैं जो कि डेंकी वगैरह के साथ गए थे और वो उन लोगों को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे अचानक से फुनामोशी की स्क्वाड ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और कैसे डेंकी और रिवाबे ने उन लोगों को भागने में मदद करी लेकिन वो लोग पकड़े गए उनको बचाते हुए जाते। तो बुंटान बोलती है कि अगर वो लोग अब मारे भी जाते तो हम लोगों को कोई सरप्राइज नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने कागुरा को भी मार दिया था, तो वो लोग डेंकी और रिवाबे को भी मार सकते हैं। तो मेटली बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो लोग इतनी आसानी से हारेंगे, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है, उन लोगों के पास वापस आने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों को इस विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा फुनामोशी की स्क्वाड से। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्की को दिखता है कि फुनामोशी की जो स्क्वाड है वो उनकी तरफ बढ़ रही है जंगल से। तो मिस्की बोलता है इनके नंबर तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं लेकिन ये फुनामोशी की स्क्वाड ये मैं कन्फर्म हूँ। तो हम लोग देखते हैं कावाकी और बोरुटो को काफ़ी गुस्सा आता है, वो बोलते हैं हम उस बास्टर्ड फुनामोशी को सबक सिखाएंगे, हम उसको किसी भी काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो शारदा बोलते हैं कि हम लोगों को उन पर अटैक करना जरूरी है लेकिन फिर भी हम लोगों को विलेज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो वगैरह सारे विलेजर्स को फिर से सेफ हाउस के अंदर छोड़ देते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप लोगों को फिर से इसके अंदर बंद करना पड़ रहा है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप हमारे लिए फाइट कर रहे हो, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कागुरा का बदला लेना। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये जो फुनामोशी की स्क्वाड होती है उसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं फिर भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक रणनीति बना के आए हुए होते हैं। तो शारदा बोलते हैं अगर हम लोग इनको हरा भी देंगे तो भी इन लोगों को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी बुंटान बोलते हैं कि इस पॉइंट पे टेंशन लेने से क्या फ़ायदा, हम लोगों को अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। तो शारदा बोलती है फिर भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे विलेज को बचा के रखना और अपने साथियों को भी बचा के रखना, किसी को मरने नहीं देना। तभी हम लोगते मेटली अकेला दीवार पर मुक्का मार रहा होता और बोलता मुझे इन सब लोगों को सबक सिखाना होगा अगर मुझे दोबारा उन लोगों को देखना है तो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर हिबीची को आती है, बोलते तुम शांत नहीं रह सकते, मुझे मेडिटेट नहीं करने दे रहे हो। तो मेटली बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यूजुअली ऐसे ही नर्वस रहता हूँ और आज कुछ ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे डेंकी और रिवाबे को अगर दोबारा देखना है तो मैं अपनी जान भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। तो हिबीची को याद आता है कि क्यों कागुरा भी ऐसी कुछ बोल के मरा था कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे सकता हूँ। तो हिबीची उसको बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने कितने ज़्यादा बैटल्स लड़ी है, मैंने काउंटलेस बैटल लड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल शिनोबी मैंने मरते हुए देखे अपनी आंखों के सामने, लेकिन अब तक मैं कैसे जिंदा बची तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी और के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना जरूरी नहीं समझा, मैं हमेशा अपनी जान को पहले रखती थी। तभी हम लोग होते हैं बोरुटो वगैरह खड़े होते हैं, वो बोलते हैं फुनामोशी अभी तक आया क्यों नहीं, शाम हो चुकी है, हम लोग कब से उसका वेट कर रहे हैं। तो कावाकी बोलते हैं ऐसा तो नहीं उन्होंने रिवाबे और डेंकी को पकड़ा था फूड इकट्ठा करते हुए, तो कहीं उनको ये पता तो नहीं चल चुका है कि हम लोग फूड की कमी हमारे पास, तो वो हम लोगों को भूखा मरने के लिए तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो शारदा बोलते हैं अगर ऐसा ही होगा तो हम लोगों के पास ज़्यादा देर का खाना भी नहीं बचा है, हम लोग थोड़े टाइम तक ही रह पाएंगे। तो बोरुटो बोलता नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा सब कुछ, मुझे लगता है फुनामोशी किसी चीज़ का वेट कर रहा है। तभी शारदा बोलती है कि फिर तो हम लोगों को हर टाइम फाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बुंटान उसको बोलती है कि फुनामोशी का वाटर स्टाइल के बारे में तुमने कुछ सोचा, उसके वाटर स्टाइल से हम लोग कैसे लड़ेंगे, पिछली बार तो कागुरा ने संभाल लिया था। तो बोरुटो मिस्की से बोलता है मिस्की तुम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो मुझसे कुछ पूछने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुनामोशी वेट कर रहा होता है मॉइस्चर बढ़ने का, नमी बढ़ने का हवा के अंदर, और फिर वो बोलता है कि कल सुबह हम लोग विलेज पर अटैक करेंगे क्योंकि कल सुबह हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया मौसम होगा। तभी उसका सबॉर्डिनेट आता है, बोलता है कल सुबह इतनी जल्दी हमारी बॉडी अभी तरीके से हील नहीं हुई है पूरी तरीके से, हम लोग उनके ऊपर अटैक कैसे करेंगे। तो फुनामोशी बोलता है फिर भी हम लोगों को अटैक करना होगा क्योंकि हम लोग लॉर्ड आर्मी के अटैक ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रहे, अगर हम लोग ज़्यादा देर तक यहीं पर रखें तो लॉर्ड आर्मी खुद हमें लेने के लिए आ जाएंगे, हम लोगों को फिर लेडी सैरन के लिए बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। और हम लोग देखते हैं सुबह होती सारी जो आर्मी होती है वो विलेज की तरफ बढ़ने लगती है। तो बोरुटो कावाकी वगैरह सब लोगों को बता देते हैं कि हम लोगों को ध्यान रखना होगा, वो लोग अपने मुंह पे निकल चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं वो जो पूरी आर्मी होती है वो धीरे धीरे करके पहाड़ी पे चढ़ रही होती है और विलेज की तरफ बढ़ रही होती है उन लोगों पे अटैक करने के लिए। तो बुंटान बोलती है कि हम लोग फ्रंट लाइन पे जा रहे हैं, तो शारदा उसको मेटली को क्योहो को और हिबीचो को फ्रंट लाइन पे भेज देती है और बोरुटो और कावाकी से पूछते हैं क्या तुम लोग अकेले ठीक हो इन लोगों से लड़ने के लिए फुनामोशी से फाइट करने के लिए। तो बोरुटो बोलता है फुनामोशी मेरे पीछे आ रहा है तो यही भला होगा कि मैं अकेला और कावाकी उससे फाइट करें। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्रंट लाइन पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, मेटली वगैरह अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। तो मेटली उन लोगों को बोलता है चाहे तुम कितने भी आ जाओ लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा, तुम लोग मुझसे हारोगी। तो हिबीची को मेटली को बोलते तुम नर्वस हो फिर भी तुम काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे हो, और हम लोग देखते हैं वो लोग फाइट करते जाते हैं और फुनाटो क्लैन के मेंबर्स को अच्छे से सबक सिखा रहे होते हैं। तो हिबीची को बोलते लेकिन बैटल अभी स्टार्ट हुई है, लोग बहुत सारे आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बुंटान भी उनके साथ जो फाइट कर रही होती है वो समझ जाते हैं कि ये बंदे भी फाइट कर सकते हैं, एलाइट स्क्वाड का मेंबर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी और बोरुटो दोनों जने अकेले बाकी मेंबर से फाइट कर रहे होते हैं जो कि फुनामोशी को गार्ड कर रहे होते हैं। तो कावाकी बोलता है कि ये लोग जो भी बच गए हैं ये एलाइट स्क्वाड में भी सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं क्योंकि ये लोग अभी तक जिंदा बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुछ बंदे जो होते हैं वो क्योहो को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और तभी एक बंदा होता है जो क्योहो के आर पार एक स्पीयर निकाल देता है। तो हम लोग क्योहो को भी चोट लग जाती है लेकिन फिर भी वो फाइट कर रहा होता है। तो शारदा और मिस्की समझ जाते हैं कि हम लोग या कुछ इतने में फाइट कर ले लेकिन ये लोग सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक बंदा बोरुटो को अटैक करने के लिए आता और बोलता है बोरुटो तुम्हारी जान मेरे कब्जे में है। तो बोरुटो बोलता है इतनी आसानी से नहीं और उसके ऊपर अपने गेल पाम का अटैक करता है, लेकिन हम लोग उस बंदे के ऊपर उसके गेल पाम का कोई भी अटैक नहीं होता और फिर भी वो बोरुटो को पकड़ लेता है चारों तरफ से हिलने नहीं देता।
भी हम लोग होते हैं, उसका एक साथी वाटर ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हम लोग होते हैं बोल्टो तो बच जाता है लेकिन उसकी जान चली जाती है। तो बोल्टो बोलता है कि ये मुझे मारने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। तो ये फुनामोशी बोलता है कि हम लोग लेडी सारिन के लिए अपनी जान भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? और अब तुम्हें मारने के बाद हमारी विश पूरी हो जाएगी। तभी हम लोग होते हैं फुनामोशी का एक साथी एक बैरल नीचे पटकता है और हम लोग देखते हैं वो बैरल फूटते ही उसके अंदर से पानी निकल जाता है और हम लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों ने पानी के सोर्सेज अपने साथ लेके चल रहे हैं। और उसके बाद फुनामोशी उन लोगों पे अटैक करता है जिससे कावाकी बचा लेता है बोल्टो, लेकिन कावाकी को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो वो लोग बोलते हैं बोल्टो तुम अपनी जान की भीख नहीं मांगोगे जैसे तुम्हारे दोस्तों ने मांगी थी, मैं चार विश करता हूँ काश तुम अपने दोस्तों को हमारे आगे गिड़गिड़ाते हुए देख लेते, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त अपनी जान की भीख मांगते हुए मारे गए, हमने उनकी जान ले ली इतनी आसानी से। तो बोल्टो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो फुनामोश अपने वाटर स्टाइल से बोल्टो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग इस बार बोल्टो के दिमाग में कुछ प्लान होता है और वो अपने इलेक्ट्रिकल स्टाइल से फुनामोशी के ऊपर अटैक करता है जिससे फुनामोशी बेहोश हो जाता है। तो बोल्टो बोलता है मैं पहले ही समझ गया था तुम्हारे जुस्सू को, मैंने पहले भी किसी बंदे को ऐसा जुस्सू इस्तेमाल करते हुए देखा। और हम लोग होते हैं वो स्विगेसू की बात कर रहा था जो कि खुद वाटर के अंदर अब्जॉर्ब होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता था। तो उसने मिस्की से यही पूछा था कल रात को कि मिस्की मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो मिस्की ने उसको बताया था कि फुनामोशी भी जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो बोल्टो बोलता है कि इस जुस्सू की एक वीकनेस थी वो थी इलेक्ट्रिकल स्टाइल। भाई दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कावा की फाइट कर रहा होता फुनाटो क्लैन के बाकी मेंबर से और बोरुटो अपने गेल पाम की मदद से फुनामोशी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे फुनामोशी थोड़ी दूर जाकर गिरता है लेकिन वो अभी भी होश में होता है। तो बोल्टो बोलता है कि तुमने इवाबे और डेंकी के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, लेकिन हम लोग होते हैं फुनामोशी बोल्टो के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता और सिर्फ वेट कर रहा होता है, सिर्फ चुपचाप बैठा होता है। तो कावा की बोलता है चुपचाप कैसे बैठा है, इसको इतनी भी चोट नहीं लगी है कि अटैक ना कर पाए, लेकिन किस चीज़ का वेट कर रहा है। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पर बारिश आने लग जाती है और जैसी बारिश आने लगती है वैसे फुनामोशी अपने रौद्र रूप में आ जाता है, रोज पानी का इस्तेमाल करके हर तरफ वाटर टोर्नेडो फैला देता है जिससे हम लोग होते हैं कावाकी और बोल्टो बहुत मुश्किल से बच रहे होते हैं। तो बोल्टो बोलते हैं तो वही जाइंट टोर्नेडो जो कि हमने पिछली बार देखा था। तो कावाकी बोलता है नहीं ये पिछली बार से अलग है। और हम लोग देखते हैं इस बार वो जाइंट टोर्नेडो एक बहुत बड़ी जेलीफिश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि उसका एक वाटर स्टाइल होता है। और हम लोग देखते हैं उस जेलीफिश का फायदा उठा के फुनामोशी पूरे विलेज को तहस नहस करने लगता है और उसके रास्ते में जो भी आता है उसको खत्म कर देता है, चाहे वो उसकी क्लैन के मेंबर क्यों ना हो, वो बोल्टो पकड़ने के लिए कुछ भी कर रहा होता है। तो बोल्टो बोलता है अगर मैं बस इसके पास चला जाऊँ तो मैं अपने रासिंगान से इसको एक हीट से खत्म कर सकता हूँ। तो कावाकी बोलता है कि तुम अपने रासिंगान का इस्तेमाल तो कर दोगे लेकिन तुम इतने रैंपेज मचाने वाले के पास कैसे पहुंचोगे। तो हिबिची को बोलती है कि मतलब हम लोगों को बस इसको किसी तरीके से रोकना है थोड़े टाइम के लिए, फिर तो बोल्टो तुम अपने रासिंगान का इस्तेमाल कर सकते हो ना। तभी हम लोग होते हैं फुनामोशी बोल्टो को देखते हुए बोलता है बोल्टो तुम कब तक भागते रहोगे, कभी फाइट भी करोगे या फिर नहीं। तो हम लोग होते हैं वो भागते हुए बोल्टो के ऊपर अटैक करता है तो उसको पता चलता है कि वो बोल्टो का सिर्फ एक शैडो क्लोन था। तभी उसका ध्यान जाता है कि शारदा जो होती है अपने फायर स्टाइल से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, उसके वाटर को एवोपरेट कर रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि कावाकी भी अपने छोटे छोटे बीम अटैक से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, बार बार उसका ध्यान बटा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो फुनामोशी होता है वो कावाकी पे अटैक करने लगता है लेकिन उसकी जो हाथ होता है वो टेंटिकल जो होता है वो कावाकी तक पहुंच नहीं पाता। तभी वो देखता है कि उसको चारों तरफ से चक्रा थ्रेड से स्यू कर लिया गया जो कि हिबिचिको के चक्रा थ्रेड से। हिबिचिको बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको मेरे चक्रा थ्रेड अपने अंदर बांध ना सके, बस मेरा चक्रा ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो। तो हम लोग होते हैं बोल्टो उसके पास जाने लगता है लेकिन फिर भी फुनामोशी थोड़ा बहुत हिल पा रहा होता है, वो बोल्टो को अपने आसपास नहीं आने देता। तो बोल्टो बोलता है कि मैं इसके इतना पास हूँ फ्री मैं इसके ऊपर अपने रासिंगान से अटैक नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं मेटली हिबिचिको को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाले सारे लोगों को खत्म कर रहा होता है, लेकिन हम लोग देते हैं हिबिचिको के नाक से खून आने लगता है क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा चक्रा का इस्तेमाल कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस जेलीफिश के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्टाइल से अटैक किया जा रहा होता है शारदा मिस्की और बोटाम की तरफ से। तो बोल्टो बोलता है कि अभी मेरा चांस है, इसका ध्यान भटका हुआ है, मेरे को इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन हम लोग होते हैं फुनामोशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सारे चक्रा थ्रेड्स को तोड़ देता है और उसके बाद वो सबसे पहले अपने टेंटिकल से हिबिचिको के ऊपर अटैक करता है। तो हिबिचिको को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हम लोग होते हैं बोल्टो भी अपने रासिंगान से उसकी तरफ जा रहा होता है तो अपने दोनों टेंटिकल के बीच में बोल्टो को पीस देता है और बोलता है कि लेडी सारिन मैंने आपका बदला ले लिया है, हमने बोल्टो जुमा के खत्म कर दिया। लेकिन हम लोग होते हैं बोल्टो मरता नहीं है बल्कि वो उसकी जेलीफिश के अंदर तैरता वो आता है और अपने रासिंगान से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बोल्टो बोलता है कि मैंने फाइनली कर दिखाया। तो शारदा उस पर चिल्लाती है बोल्टो तुम इतने रेकलेस कैसे हो सकते हो। तभी हम लोग होते हैं फुनामोशी पीछे से खड़ा होता है और बोल्टो को भी कावुरा की तरह पकड़ लेता है और अपनी तलवार से बोल्टो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो ये पीछे से बुमटान आती है और अपनी तलवार को फुनामोशी के आर पार निकाल देती है जिससे फुनामोशी लगभग मर जाता है, अधमरा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसकी जो पूरी टीम होती है वो फुनामोशी को वहाँ से लेकर निकल जाती है, लेकिन हिबिचिको की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, वो लगभग मरने वाली होती है। तो क्यों बोलता है अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर मेरी बात कौन सुनेगा, मैं किसको अपनी बातें बताऊँगा, तुम प्लीज़ मत जाओ क्यों हिबिचिको। और हम बोलते हैं कि मेटल लीलर रो रहा होता है कि मैं अगर इसको बचा पाता तो शायद मैं इसको बचा सकता था लेकिन ये सब कुछ मेरी गलती है।
तो हिबीची को बोलती है हाँ ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी जान जा रही है, मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी बेवकूफ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिबीची को मर जाती है, जिसके बाद उसकी भी ग्रेव बनाई जाती है और बूटो वगैरह सब लोग काफी उदास होते हैं और वो उसको प्रे कर रहे होते हैं। तो शारदा बोलते हैं कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगी, लेकिन मेरे आंखों के सामने एक और जान चली गई, ये सब कुछ मेरी गलती है। तो बूटो बोलता हमने कागुरा का बदला तो ले लिया, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसका हैवी प्राइस चुकाना पड़ा, ये सब कुछ हमारी भी गलती है। तो हम लोग देखते हैं पूरा जो विलेज होता है फिर से रीबिल्डिंग के फेज में चला जाता है, सारे लोग अपनी मदद कर रहे होते हैं। तो बूटो बोलता हम लोगों को कागुरा की विल को आगे बढ़ाना चाहिए, हम लोग अभी रुक नहीं सकते यहाँ पे। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कागुरा की ग्रेव के पास में हिबीची की ग्रेव लगाई जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बंदे ही मार साथ, तकलीफ बाय।